मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों और परंपरागत शिल्पकारों के विकास के लिए प्रदेश सरकार हर आवश्यक मदद करने को तत्पर है। ये उद्योग ही आत्मनिर्भर भारतवर्ष के स्वप्न को साकार होने का आधार है। प्रदेश का कोई भी युवा जो अपना नवीन उद्यम शुरू करना चाहता है उसे पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रत्येक उद्यमी को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह काम सतत जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 354,825 MSME इकाइयों की पूंजी की जरूरत को पूरा करते हुए 10,390 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इनमें 29,914 नई इकाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें 1,316 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया। वर्चुअल माध्यम से संपन्न इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों 8 उद्यमियों को लोन वितरित किया गया, जबकि शेष को जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में ऋण प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। ऋण प्राप्त करने वाले MSME उद्यमियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे उद्योग सशक्त प्रदेश का आधार हैं। औद्योगिक विकास को गति देने की यूपी सरकार की कोशिश सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाली है। उन्होंने कहा कि COVID-19 के कालखंड में केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर अपने प्रवासी श्रमिकों भाइयों बहनों को, परंपरागत शिल्पकारों को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन के लिए नियोजित प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान 14 मई को जब पहला आर्थिक पैकेज जारी किया, उसके अगले ही दिन यूपी सरकार ने ऑनलाइन स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 56,754 नए MSME इकाइयों को 2,002 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। यही नहीं, इनकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए MSME साथी पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। वहीं 26 जून को जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की, तब 403,646 नई और पुरानी MSME इकाइयों को 10,999 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए ऋण दिलाया गया। यही नहीं, तीसरे चरण में 269,291 इकाइयों को 7,841 करोड़ का ऋण दिलाया गया। यह ऋण इन उद्योगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का अहम माध्यम बने। बैंकों से समन्वय स्थापित कर व्यापक पैमाने पर लोन मेले आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने इस काम में बैंकों की भूमिका की भी सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में MSME इकाइयां आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। हाल ही में 15 इकाइयों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग कराकर अपने विकास के लिए पूंजी की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया है। ये अभिनव प्रयास अन्य इकाइयों के लिए प्रेरक भी है। 5,000 शिल्पियों को मिला टूल किट। मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न इस कार्यक्रम में एक जनपद एक उत्पाद योजनाओं से लाभान्वित 5,000 शिल्पियों को हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पॉटरी आदि से संबंधित निःशुल्क टूल किट प्रदान किया गया। 50 लाख रुपए का क्या काम शुरू करेंगे? सब कंस्ट्रक्शन, सप्लाई पहले से भी कर रहे हैं। बधाई आपको। कितना लोग पैसा चाहिए आपको? 20 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट और टर्म लोन। बधाई, दोनों हाथ से पकड़े खाते से। 25 लाख रुपए का इनको MSMEs की सिलाई मशीन के लिए 18.5 लाख रुपए का कारीगर हमारा आपका है। और सुंदर पकड़े, तो इधर पकड़े ना, ऐसे ले लेंगे ना, करते हैं उसमें जी। और सुंदर लीजिए, उठाइए ले लें। आप भी सब किसी का काम कर रहे हैं? आप इसी का काम कर रहे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। ट्रेनिंग सीख गई है, काम कर लेंगे। आप सीख गए हैं, बहुत सुंदर, बधाई दीजिए। इसमें थोड़ी उसके मिठाई, क्या काम करेंगे आप? डिमांड वगैरह है उसकी ना? और सुन लीजिए, मशीन वगैरह है सब है। जिनको ऋण उपलब्ध कराया गया है, सिद्धार्थनगर किसी वजह से ग्रहण नहीं हो पाया था, मुरादाबाद से है निश्चल आर्य,
मुरादाबाद। नमस्ते सर, सर ओडीओपी में सर हमारे जनपद में सब क्या इसमें काम शुरू करने जा रहे हैं हम निश्चल जी? जी प्रणाम, नमस्ते। आपके सरकार के द्वारा जो हमें लोन प्राप्त किया गया ओडीओपी के अंतर्गत, उसके तहत हम नई रेट लगा रहे हैं। उसके अंदर हम मेटल हैंडीक्राफ्ट के नई टेक्निक्स को, जबकि तक चाइना से इस तरह की मशीन होती थी उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम लोग बड़े बड़े मिररर्स जो अभी तक नहीं खा पाते थे, बड़े बड़े आइटम्स जो नहीं खा पाते थे, उस टेक्निक्स को लाकर हम उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सर हम नई एक मशीन, नए प्रेसिंग्स, नई तरह की वेल्डिंग्स की मशीन्स और नई फिनिशेस के लिए बड़े जो ओवन्स के साथ ऑटोमेटिक के ब्रांच आते हैं, लाइटिंग यूनिट्स हैं, इंटीरियर यूनिट्स हैं, बिल्डिंग कार्ड्स हैं, वो सब सर लगा रहे हैं हम उसके अंदर। और सर चाइना को कंप्लीट करने के लिए हमने कई तरह के उसके अंदर नई तरह के मतलब लोगों को रखने की सोचा है कि जिस तरह से हम लोग ये जो लोन आपको मिल रहा है, इस लोन को क्या आप ले कभी सोचा भी है कि अगर आप इसको डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़े हैं तो इसका क्या लाभ आपको होगा? सर टेक्निकली एक नई यूनिट लगाने के लिए हमें जिस तरह की मशीनरी चाहिए, जिस तरह का हमें सहयोग चाहिए था, क्योंकि इतने बड़ा एकदम से अमाउंट कैपिटल में से निकालना आसान नहीं था हमारे लिए, तो बैंक के सहयोग से और आपकी स्कीम के तहत जो हमें प्राप्ति हुई है, इसमें सर हमें लग रहा है कि बड़े आराम से ये लोन डिस्पर्स कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य काफी अच्छा है। आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे इसकी डिमांड है मार्केट में? सर हमारी नई फैक्ट्री चलते हुए सर हमारे को ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने ना नए प्रोडक्ट्स उस तरह के देने शुरू कर दिए हैं, और हमारे को पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने के बाद हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल, तो 100 से 150 लोगों के साथ एम्प्लॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए बहुत सुंदर, निश्चल जी आपको बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार के लोगों को बधाई कि आपने ये साहस किया और वहाँ पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ शुभम जी नमस्ते, आप क्या क्या काम आप कर रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं इससे? सर मैंने अपना जो है सोलर इन्वर्टर एंड बैटरी का काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सर इस लोन के तहत, और मेरा रोजगार जो है बढ़िया चल रहा है, जिससे जो है मैंने 10 से 15 आदमियों को अपने यहाँ रोजगार दिया है। सुंदर, और इसके तहत मेरा परिवार वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया सर चल रहा है, जिससे जो है मेरा जो है लोन जो मैंने लिया है, जिससे बढ़िया मेरा कारोबार वगैरह सब सकुशल चल रहा है। आपने जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं लोन लेने के बाद, मार्केट में इसकी डिमांड है? हाँ जी सर, पूरी डिमांड है। अगर मैं जो है सर 100 रुपया का चल रहा है, जिसमें मैं जो है 100 रुपया वाले इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ सर, और आने वाले समय के अंदर मुझे यही व्यापार अपना आगे बढ़ाना है सर। बहुत सुंदर बधाई आपको, बहुत सुंदर बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाराणसी से है रेहान अंसारी, इनको साड़ी के काम के लिए 15 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। रेहान जी कैसे हैं आप? ठीक है। कितने का लोन लिया आपने? 15 लाख का। क्या काम करेंगे इससे? जी मशीनरी लेंगे, प्रिंटिंग मशीन। बहुत सुंदर, इसका जो लाभ, इससे जो है आप मार्केट की स्थिति का अध्ययन वगैरह किया आपने कि इस जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केट में डिमांड है नहीं है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? डिमांड है। बहुत सुंदर बधाई आपको, अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाइए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी, और समय पे बैंक की किस्तों को भी अगर आप चुकता करते जाएंगे तो आगे आने वाले समय में और भी अच्छे लोन की मिलने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, बहुत सुंदर बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर से अर्जुन कुमार भारती, इनको सर ऑटो रिपेयरिंग के लिए 3 लाख रुपए का योजना मिली है। गोरखपुर बैठे 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 बोलिए अर्जुन जी, क्या किस बात के लिए आपने लिया है? सर
सर हमारा कार फिनिश का काम है। हाँ, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिया है। कितने का लोन लिया है? 3 लाख सर। 3 लाख का जी? तो 3 लाख से आपका काम चलेगा? जी सर, अभी तो थोड़ा सा चाप किया मैंने। हाँ, बोले और इसको बढ़ाना नहीं। ठीक है ठीक है। तो इसमें ये ऑटो रिपेयर वगैरह के लिए आते भी हैं? आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं। आते हैं, पैसा वगैरह कमाई हो जाता है ना? जी सर, जी सर। ये जो बैंक की किस्त भी हर महीने दे रहे हैं, दे पाने की स्थिति में रहेंगे ना? एकदम सर, 100%। हर महीने पैसे जो बैंक की किस्त होगी भी अगर आप चुकता करते जाएंगे तो बाद में आपको बड़े कार्य के लिए भी बड़ा लाभ उपलाभ मिल जाएगा। ठीक है जी सर। अब तो देखिए, अब तो इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक बसेज आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो आने वाले होंगे, तो उसमें चार्जिंग स्टेशन का है और इससे संबंधित बहुत सारे कार्य आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिल सकता है। आप लोगों को उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। नहीं, ऐसा ना हो कि पैसा आपने एक बार ले लिया, उसके बाद डुबो लिया, फिर बाद में फिर है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन बैंक का तो बैंक। हाँ ठीक है ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अच्छा काम करिए। अलीगढ़ से हैं सर, ये नवीन कुमार, इनको ओडीओपी में ताला की ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1,60,00,000 रुपए का। अलीगढ़, अलीगढ़। नमस्कार सर, यूपी भी है सर, बात करना चाहिए आपका, आशीर्वाद देना। नवीन कुमार जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर ठीक है। तो आपने जो है ये 1,60,00,000 रुपए किस कार्य के लिए आपने लोन लिया है? ये तो आप इसमें ये काम पहले से करते हैं या नया कार्य शुरू करेंगे? नहीं, पहले करते थे, छोटी पूंजी थी। अच्छा, तो अपना कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं? कारोबार का विस्तार किया। तो ये सब ताले कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं आप लोग? दक्षिण भारत में जाता है, हर जगह जाता है जी। बहुत सुंदर, ये तो अच्छा है, हर प्रकार के ताले बना लेते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसमें प्रॉफिट है ना जी? सर जी। तो ये पैसा जो ले रहे हैं इसको बाद में किस्त के आधार पर वापस करने की स्थिति रहेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मार्केट को भी आप टटोलिए, अच्छा काम करिए। हाँ सर, इनका कहना है सर कि ये 20 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पे और 25 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पे सर रोजगार देंगे तत्काल। बहुत सुंदर, उसकी वजह से इनके बिजनेस में वृद्धि भी होगी। ट्रेनिंग भी करवाइए इन लोगों को, ट्रेनिंग भी इन लोगों को करवाना चाहिए, और आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ विभाग के साथ भी संवाद बनाएंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत लाभ इसका होगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर, आपको नवीन कुमार जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस ऋण को आप लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, रोजगार भी दें और बैंकों के साथ इतना अच्छा तालमेल बना के रखें कि आने वाले समय में आपके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में बैंक फिर से आपको अच्छा लोन दे सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जिनको ट्रेनिंग दे रही, अभी जैसे आपने यहाँ टूल किट दिया, वहाँ भी दिया जा रहा है। गोरखपुर से उमेश कुमार प्रजापति, इनको मिट्टी के बर्तन का काम करना है। जी सर नमस्ते। नमस्ते उमेश जी, कहाँ घर है आपका? जी सर, बेलवा रायपुर में, विकास नगर चार गांव। अच्छा, आप वहाँ बेलवा रायपुर के रहने वाले हैं, तो कहाँ टेराकोटा का काम कर रहे हैं? जी सर। तो ये एक बिकता भी है? जी सर, इसे तो हम लोग काफी हर स्टेटों में मांग हो रही है अब, और इस बार तो दीपावली में खूब बिका होगा। जी सर, बहुत अच्छा बिका सर, बहुत सुंदर। जी कोरोना के चलते मतलब लग रहा था कि कम सेल होगा, लेकिन तब पर भी बहुत ही हुआ सर। तो आपको ये टूल किट मिला है, तो ट्रेनिंग वगैरह करवाई गई इसकी? जी सर, हम लोग 10 दिन का ट्रेनिंग किए सर, टूल किट में मिला। पहले हम लोगों का जो शारीरिक चाक थी उस पर काम बहुत सुंदर। अब आप लोग सीख गए इसको? जी सर, अब हम लोग जैसे कम 10-15 पीस बना पाते थे एक दिन में, अब ये इलेक्ट्रॉनिक
ऑर्गेनिक चेक हो जाने से हमारा 40-50 आइटम बन जाता है सर। सुंदर, और इसमें जो है मिट्टी भी आपको फ्री में मिल रही होगी? जी सर, मिट्टी तो मिल रही है, थोड़ी सी है अभी, उसका समाधान तो आप के सहयोग से हो ही रहा है सर। मिट्टी को पहले से आपको अप्रैल से जून के बीच में संभाल के रख देना चाहिए, इकट्ठा करके रख देना चाहिए, और साल भर उसका उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर हम लोग वही अप्रैल में ही निकाल लेते हैं एक साल का। तो ये जो ट्रेनिंग के सरकार ने ट्रेनिंग भी दी है, जो इलेक्ट्रिक चाक भी दिया है, तो इलेक्ट्रिक चाक देने के बाद बर्तन की संख्या ज्यादा बन रही है, तो उसका दाम भी कुछ कम हो रहा है या ज्यादा बढ़ गया है? नहीं सर, काम दाम तो कम होगा, एक मिनिमम ही होगा, क्योंकि जब कम बन रहा था तो काफी दाम था, तब लागत ज्यादा लगती थी, अब ज्यादा बन रहा है तो लागत कम होनी चाहिए उसकी। अब सर लागत कम आएगी, अब थोड़ा खर्चा तो है, लाइट वेट का भी ना हम लोगों को भी लगती है। लाइक उतना ज्यादा नहीं है फिर भी कम आएगा भाई, इतना लालच नहीं कर देना चाहिए कि जो है मार्केट थोड़ा पकड़ ले, मार्केट बनाइए अपना। सोलर का दिलवाएंगे अगली बार। बहुत धन्यवाद रहेगा सर, और आपका एक जिला एक उत्पाद योजना से सर बहुत ही बड़ा तेरा कोटा कार्यक्रम को सर बहुत अच्छा लाभ है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर आपको भी। सर प्रतापगढ़ से हैं विनोद कुमार यादव, इनको आंवला वहाँ का हमारा प्रोडक्ट है, आंवले के लिए उत्पाद बनाएंगे सर। प्रतापगढ़ सर नमस्कार सर, ये समाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहब का। हाँ नमस्ते विनोद जी, क्या आप काम कर रहे हैं? ओडीओपी के आंवला प्रोडक्ट का काम करते हैं। आंवला में क्या बना रहे हैं? आंवला में लड्डू बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं। आंवले का जूस भी तो निकलता है? जी जी। ये जूस नहीं आप पैक करते हैं? जूस को भी हम निकलवाने के जो मिक्सर से उसको जो है कि उसकी तकनीक देखिए ना, बड़ी इसकी डिमांड है। जी जी। आंवले का चूर्ण भी बहुत उपयोग में आता है। आंवला माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रकार का समझिए तो चारों प्रकार से किसी भी प्रकार से वेस्ट नहीं जाता है, मुरब्बे के रूप में, अचार के रूप में, जूस के रूप में, चूर्ण के रूप में, दवा के रूप में, इसके वृक्षों की भी पूजा होती है। हाँ। कार्तिक मास के महीने में जो है कि शुक्ल पक्ष के दिन इसकी पूजा भी होती है। आंवला में जो है बड़ा एक महत्व है जिसकी पहचान हमारे प्रतापगढ़ जिले से ये नई संजीवनी के रूप में है। हमारा प्रतापगढ़ आंवला के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ धीरे धीरे जो है कि ये योजना आपने चलाई माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें बड़ा हर्ष हुआ कि इसी की वजह से आपकी सरकार के माध्यम से हमको जो ये ODOP का ये कार्यक्रम शुरू किया गया। बहुत ही ट्रेनिंग लिया आपने? 10 दिवसीय ट्रेनिंग की गई, तो उसके इसको आपको टूल किट वगैरह उपलब्ध हो गया? टूल किट पहले से ही मैंने काम करता था मानी, आज भी मुझे टूल किट मिला, इसकी बड़ी खुशी है जिससे मैं अपना परिवार का। चलिए विनोद जी, आपको और आपके परिवार के लोगों को सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं, अच्छे ढंग से कारोबार आगे बढ़ाइए, आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। सर ये मथुरा का ODOP का प्रोडक्ट है, ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति और कंठी माला। सर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ राधे राधे। तो आप लोग ये जो है ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं? जी सर। तो आप लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह ले ली? जी सर, 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी और काफी अच्छी तरीके से हमें सिखाया गया था। तो आप लोगों ने टोल किट वगैरह आपको सब मिल गया है? हाँ सर, वितरण हो रहा है आज इसका। बहुत सुंदर, आप लोग लीजिए और इसके अनुसार खूब बड़ी मात्रा में इसका जो है प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक जो मथुरा वृंदावन में बनती है, इसकी मांग तो पूरे देश के अंदर होती है और वहां पर भी होगी, तो दुकानों में भी अगर आप देखेंगे अलग अलग कलर से बना करके अलग अलग तरीके उससे बनाएंगे तो लोग उसकी बड़ी डिमांड करेंगे और पूरे देश के अंदर भी वो काफ़ी अच्छे ढंग से बिकेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा इसमें। जी।
बहुत सुंदर, बधाई आपको सोनिया जी, आपको और आपके साथियों को सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। सर ये बरेली, बरेली में जरी जदोदी हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, मीरा जी हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी। सर मेरा नाम मुकुल कुमार है सर, मैंने आपकी जो योजना थी गोडी होती उसमें मुझे ऋण मिला, मैंने ट्रेनिंग की उसकी और मैंने अपना काम शुरू किया है सर। क्या क्या काम शुरू किया है मुकुल जी आपने? सर कारपेंट्री का बुनाई का। बहुत सुंदर, तो आपको ट्रेनिंग भी अपने लिए इसमें? जी सर जी, 10 दिन की ट्रेनिंग थी सर। हाँ, और ट्रेनिंग ठीक हो गई है? जी सर जी। तो ये आपको ये टूल किट वगैरह उपलब्ध हुआ? जी सर, टूल किट वगैरह उपलब्ध हो गया। चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको और अच्छे ढंग से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। बाकी किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को आप लोग बताएंगे तो स्थानीय स्तर पर भी उसमें सहयोग होगा, ठीक है? जी बहुत सुंदर, बधाई। आज के इस ऑनलाइन लोन मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री श्री उदय भान सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई, आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और एसएलबीसी के भी नोडल अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, बैंकर सभी हमारे बैंकर्स जितने भी यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके सभी हमारे मुख्य महाप्रबंधक और प्रबंधक गण, मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के सभी इस क्षेत्र के लाभार्थी गण, हमारे अधिकारी गण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने प्रदेश में एक साथ आज 354,825 एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, जिसमें 324,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत जहां ये ऋण वितरित किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी 29,914 पहले से ही स्थापित 1,316 करोड़ रुपये की योजनाओं को, करोड़ रुपये की का ऋण वितरण पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आज यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, यानी कुल देखा जाए तो 354,825 एमएसएमई इकाइयों के लिए ₹10,390 करोड़ रुपये के ऋण की वितरण की एक कार्यक्रम आज ये संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत उद्यम थे, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उनके उत्पाद को एक बेहतर अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की कार्रवाई और ट्रेनिंग के साथ ही उन सभी लोगों को टूल किट शासन स्तर से विभाग के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने की कार्रवाई के लिए आज का ये बृहद आयोजन
प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश के सभी लाभार्थियों को, चाहे वह एमएसएमई इकाइयां हों या फिर एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, इन सबको हृदय से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत इस वित्तीय वर्ष में 16,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। आज 5,000 प्रशिक्षणार्थियों को उनके परंपरागत कारीगरी हस्तशिल्प या फिर व्यवसाय से संबंधित टूल किट का वितरण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। यह टूल किट्स हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पॉटरी आदि से संबंधित है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कार्यक्रमों का यह हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश ने जिस स्तर पर कार्य प्रारंभ किया और भारत सरकार की योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसका लाभ प्रदेश के एमएसएमई इकाइयों को देने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के इस दौरान प्रदेश में आए हुए जितने भी हमारे कामगार, श्रमिक और अन्य प्रवासी मजदूर थे, इन सब के स्वावलंबन के लिए, इन्हें रोजगार, स्वतः रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और उसके तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की पहले से चली आ रही उन तमाम योजनाओं से उन्हें जोड़ने का एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर प्रारंभ किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर इन सभी योजनाओं का लाभ इन सभी तबके के लोगों को उपलब्ध कराने में हमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई। मुझे याद है 14 मई 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अंतर्गत 56,754 नई एमएसएमई इकाइयों को, यानी जिस दिन भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी उसके अगले दिन ही सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश था जिसने 2002 करोड़ रुपए के ऋण 56,754 एमएसएमई इकाइयों में वितरण करने में सफलता प्राप्त की। एमएसएमई उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के उद्देश्य से ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। 26 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर एमएसएमई सेक्टर की पूर्व स्थापित 2,67,980 इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरण करने के साथ ही 1,35,666 नवीन इकाइयों को भी 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। यानी इस प्रकार 4,03,000
646 इकाइयों को कुल 10,999 करोड़ रुपए के ऋण इससे पूर्व ही उपलब्ध कराया गया। एमएसएमई सेक्टर के मदद अभियान के तीसरे चरण में पूर्व में स्थापित 1,39,538 इकाइयों को 3,180 करोड़ रुपए का ऋण आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत वितरित किया गया। इसके अलावा 1,29,753 नवीन एमएसएमई इकाइयों को भी 4,661 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए। इस प्रकार 2,69,291 एमएसएमई इकाइयों को 7,841 करोड़ रुपए के ऋण वितरण उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए एमएसएमई विभाग द्वारा निरंतर बैंकों से स्थापित समन्वय स्थापित करने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर प्रदेश के हर एक जनपद में ऑनलाइन लोन मेला यानी ऋण मेला आयोजित किए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि जिन क्षेत्रों में लोन की समस्या थी और कोई भी युवा अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता था, अपना कारोबार स्वयं का स्थापित करना चाहता था या अपने परंपरागत चले आ रही कारीगरी को और हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए उसे थोड़ी पूंजी की आवश्यकता थी, वह पूंजी के लिए धनराशि जब बैंकों से स्वयं जुड़ा है और स्थानीय स्तर पर बैंकों ने रुचि ली, तो आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर लोगों को लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर एमएसएमई इकाइयों को प्रदेश सरकार ने और भी आगे बढ़ाने के लिए पहले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करके उनकी मदद से कहीं भी इस सेक्टर में पूंजी की कमी न होने पाए, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 15 एमएसएमई इकाइयों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो एमओयू किया था उसके अंतर्गत हमारी 15 इकाइयां बीएससी में लिस्टिंग कराकर उनके माध्यम से उनके उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऋण वितरण से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को निश्चित ही लाभ मिलेगा और इसका जो सीधा संबंध है यानी स्थानीय स्तर पर न केवल आम नागरिक को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी साकार करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आज प्रदेश के अंदर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर ये लोन वितरण की कार्रवाई एमएसएमई इकाइयों के लिए, चाहे नवीन इकाई स्थापित करने का हो या पुरानी इकाइयों को पूंजी के अभाव में जो उसका विस्तार नहीं कर पा रहे थे उनके लिए इस लोन की आवश्यकता थी, आज इस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अपने सभी बैंकर्स को जिन्होंने रुचि लेकर के प्रदेश के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर रहे हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ा करके प्रदेश के अंदर जो उपलब्ध संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतार करके प्रत्येक इस क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमी को, व्यवसायी को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर माहौल हम देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस ऑनलाइन लोन मेला के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी
हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और हम लोग स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।